जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एकेडमी हमारी मोदीनगर गांधी ग्राउंड हापुड़ रोड पे है, और एकेडमी में मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी तक रहने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन कमरे की सुविधा हम करा देते हैं। आप लोगों को अगर आना है तो हम कमरे की सुविधा, रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा करा देते हैं अगर आपको आना है। जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारा क्या है, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए आर्मी की भर्ती कब है। सभी के सवाल हैं, सभी इसी चीज़ को पूछते हैं कि भाई टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए की भर्ती कब आएगी। कमेंट्स करते हैं, इंस्टा मैसेज आते हैं भाइयों के, अपने भाइयों के, तो वो पूछते हैं कि टीए की आर्मी भर्ती कब आएगी। मैं बताता हूँ आपको कब। हमारा जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है ये सेकंड जोन में आता है। सेकंड जोन की भर्ती जो है वो दिसंबर या जनवरी के लगभग आने की संभावना है, क्योंकि आने की कोई कंफर्मेशन या कंफर्म या नोटिफिकेशन कोई नहीं है अभी। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग कहते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन है। भाइयों, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है चीनू सैदपुर फिजिकल, उस पर हमें भी भेजिए प्लीज़, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है वो कहाँ पे है। और नंबर दो बार जो दूसरा मुद्दा है कि अग्निवीर का जो चल रहा है, दोस्तों को आप लोगों को मैं बता दूं, अग्निवीर का जो चल रहा है, आज अग्निवीर का रिटर्न था, उस रिटर्न को हमारे मेरठ यारों में 2870 बच्चे के करीब बैठे हैं, जो कि वैकेंसीज पता नहीं है कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसी पता लगेगी जब ये खुल जाता है, जब मेरिट खुल जाती है, मेरिट के बाद ही वैकेंसी पता लगता है। और अब जो चल रहा है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अग्निवीर में जो नहीं लग पाया है वो तैयारी छोड़ दी है, ग्राउंड खाली हो गए हैं। तो ग्राउंड खाली किस लिए हुए हैं, कि वे सोच रहे हैं कि आगे भर्ती नहीं आएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर की भर्ती बढ़ के आएगी, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती भी बढ़ के आएगी, यानी कि जल्दी ही आने वाली है। तो आप लोगों को तैयारी नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहना है, लगातार अपनी प्रैक्टिस पे रहना है। अगर आप एक महीना छोड़ देते हैं तैयारी तो आप लोग डेड हो जाते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। आप जीरो से स्टार्ट करना चाहोगे या 50, 60, 70, 80, 100 से स्टार्ट करना चाहोगे, क्योंकि आपकी तैयारी अभी तक थी, अप डाउन होगी। टेरिटोरियल आर्मी की ऐसी भर्ती होती है जिसमें कर्नल 5 या 6 लड़के पकड़ता है। आप अगर भीड़ करने के लिए जाना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है, आप भीड़ करने के लिए ना जाएं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट पता होता है कि हम किस लिए जा रहे हैं, काम से बच के या खर्चा करने के लिए। मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपना या अपने घर वालों का खर्चा ना करें, और बिल्कुल भी ना करें, कोई नसीब नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बोलती है नसीब। अब आप घर बैठे रहोगे तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जल्दी ही आने वाली है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दे देंगे कि हाँ, जब से भर्ती स्टार्ट है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि आप तैयारी आर्मी के लिए कर रहे हैं, और हम जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको वीडियो बना रहे हैं, वो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप कामयाबी पाओ। और हमें कुछ नहीं मिलता, हकीकत बात है, लोग बात कहते हैं कि बहुत कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। 200, 400, 500 आदमी देखते हैं, ना शेयर करते हैं। आप लोग अगर शेयर कर दो तो आपका क्या चला जाएगा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल शेयर चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जो बंदे हैं उन्हें लगातार वीडियो मिलती रहें, और जो भी नया आया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।